हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मेरे लिए साइंस फॉर जूनियर क्लास फिफ्थ के चैप्टर 12 नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में। तो देखो, नेचर जो है बहुत ही सुंदर चीज़ है, ये सब तो हमें पता ही है, और साथ ही में हम ऑलमोस्ट नेचर के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर वो खाना हो, पानी हो, तो हम वैसे भी हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है और नेचर हमें सब कुछ देती है। पर कभी कभी हम चीज़ों को लेने के चक्कर में नेचर से इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं और तभी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है। मतलब कि ज़्यादा ही अगर हम चीज़ों को, जैसे पेड़ ज़्यादा काटने लगते हैं तो फ्लड आने लगते हैं, क्योंकि प्लांटेशन का और फ्लड आने का या फिर लेस रेनफॉल होने का एक कनेक्शन होता है। और जब हम ये सारी चीज़ों को लेने के चक्कर में, जब हम अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को लेने लगते हैं नेचर से और थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, तभी नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ के एग्जांपल हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्कैनो हो गया, ठीक है, और फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया। तो ये सब बहुत ही कॉमन से क्लाइमेटीज़ होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। तो ये तो सबसे ज़्यादा भूकंप सबसे कॉमन क्लामिटी है, ये सबको पता होता है। और देखो ये होता कैसे है, तो अब हम ये पढ़ते हैं। देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे कि आपकी अर्थ की सबसे लेयर, सबसे पहली लेयर जो आपको दिखती है, तो हम पहले ही वाली लेयर बनाते हैं। ठीक है, ये वाली लेयर जो आप लोगों को दिखती है, पर इसके नीचे ऐसे ऐसे पतली पतली सी प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये मूवमेंट करते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, अब ये मूवमेंट करना जब बंद कर देते हैं, कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि ये मूवमेंट करना बंद कर देते हैं और रुक जाते हैं। फिर जब चलते हैं तो भूकंप आ जाता है, और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही, ठीक है, ये सारी तो जो लेयर्स हैं, जो बीच बीच में पतली पतली सी लेयर्स होती हैं, इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और जब यही इन्हीं की वजह से जो आपका जो अर्थक्वेक होते हैं वो आते हैं, ठीक है, और कभी कभी वो बहुत वॉलेंटली आते हैं और कभी कभी माइनर होते हैं। देखो, इनिशियली मतलब कि स्टार्ट, वॉलेंटली का मतलब कि कभी कभी बहुत बड़े भूकंप आ जाते हैं, और माइनर का मतलब कि कभी कभी बहुत छोटे भूकंप होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और फिर न्यूज़ देखते तो पता चलता है भगवान भूकंप आया था, पर हमें फील भी नहीं हुआ। अब देखो, इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जो अर्थक्वेक जो होता है वो किससे मेजर्ड करा जाता है, रिचर्ड स्केल से। ठीक है, तो इससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। 0 से 10 के लेवल्स होते हैं, उस पर कितने लेवल्स होते हैं, 9 लेवल्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक के लेवल्स होते हैं उसमें। अब देखो, जो मेजरिंग यूनिट होती है या जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, रिचर्ड स्केल होता है। और जो अर्थक्वेक होता है अगर वो 0 से लेके 3 तक है तो वो माइनर है, ओके, छोटा सा है, छोटा मोटा है। पर अगर वहीं वो 5 से थोड़ा ऊपर जाता है, 5 से लेके 9 तक का आ जाता है, तो वो ख़तरनाक है और वो डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज इवन वो क्रिएट करता है। ठीक है, साइंटिस्ट ने कुछ स्टडीज़ बताई है जो हमें अर्थक्वेक के टाइम पे हेल्प करेगी। तो देखो, कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेनी चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे। देखो, अर्थक्वेक के सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए और सेफ प्लेस के लिए ढूंढना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हो, इंडोर हो, तो घर के अंदर हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक शेल्टर लेना चाहिए, या तो किसी टेबल का या किसी बेंच का। ठीक है, टेबल या बेंच का लेना चाहिए। अगर टेबल बेंच दोनों ही नहीं है तो वॉल के अगेंस्ट बैठ जाना चाहिए, दीवार के अगेंस्ट बैठ जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो माइट फॉल, मतलब कि जैसे कि बुक केस, जो चीज़ें गिर सकती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। पंखा गिर सकता है, ठीक है, लाइट गिर सकती है, और शेल्फ भी गिर सकती हैं जो आप देख रहे हो कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये तो हिलती है, तो ये गिर सकती है। तो जो भी चीज़ आपको लग रही है कि ये गिर सकती है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। और अगर आप आउटसाइड हो तो आपको ओपन एरियाज में जाना चाहिए, और ओपन एरिया से मतलब है कि बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए, ट्रीज से दूर रहना चाहिए, लाइट के जो खंभे होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, पावर लाइन से दूर रहना चाहिए, इन सबसे हमें दूर रहना चाहिए, और हम सबको फील्ड में या फिर पार्क में जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्केनो। देखो, वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हर जगह नहीं पाया जाता है, ओनली सम माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है। अब देखो, जो वॉल्केनो जो एक टाइप के वेंट होते हैं जो अर्थ के सरफेस से कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के सेंटर में, अर्थ के कोर में
एकदम मैग्मा होता है, मतलब मैग्मा क्या होता है, बहुत गर्म स्पेस होता है, एकदम पूरे जो रॉक होते हैं अंदर पिघल रहे होते हैं, एकदम मैग्मा होता है। ठीक है, अब जैसे ये वेंट जैसा काम करते हैं, बहुतों ने मंगस खेला होगा, तो उसमें पता है ना वेंट क्या होता है, जमीन से एक छोटा सा पैसेज सा होता है जिससे इंसान बाहर और अंदर निकलता है। ठीक है, तो बाहर और अंदर निकलता है, वेंट एक ऐसा पैसेज होता है। अब देखो तो क्या होता है कि अर्थ के ऐसे वॉल्केनो होते हैं, ओके, वॉल्केनो ऐसे ही होते हैं, और ये पहाड़ होता है, ये पहाड़ होता है वॉल्केनिक वाला। अब क्या होगा कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो इधर से निकलता है, और जब वो कुछ ज़्यादा ही भर जाता है तो वो निकल आता है और वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है। पर जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है, पहले तो जब वो अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, पर जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है तो उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, जब इनर लेयर जो है अर्थ की, वो लेयर पे, आउटर लेयर पे आती है थ्रू क्रैक्स, मतलब कि जब वॉल्केनिक करप्शन होता है उससे, तो उसको हम वॉल्केनिक इरप्शन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि देखो जो वॉल्केनिक वो जो इरप्शन होते हैं, ठीक है, ये वाली जो क्लैमिटी होती है ये डिफ़िकल्ट होती है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जब ये होता है तो ये बहुत डैमेज क्रिएट करता है, खासकर उन लोगों को जो उस एरिया में रह रहे होते हैं ऐसी जगहों पे, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू नेचर तीन टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव, फिर होता है डोरमैट, और उसके बाद होता है एक्सटिंक्ट। तो देखो, वॉल्केनो जो जो रिसेंटली या अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही जो इरप्ट हुए हैं, मतलब जो अभी, मतलब जो बहुत ज़्यादा अभी कुछ टाइम पहले ही इरप्शन हुआ है जिनका, ठीक है, तो वो वॉल्केनोज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जो बहुत एक्टिव है। ठीक है, कभी भी वो फिर से इरप्शन ले सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं और एक्टिव वॉल्केनोज, और वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं। जैसे कि माउंट फूजी जो है वो जापान में एक एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट टाइप की जो डोरमैट जो होते हैं, ये जो होते हैं ना कि अभी रिसेंटली इरप नहीं हुए हैं पर कुछ टाइम पहले हुए थे, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसको डोरमैट बोला जाता है। और ये जो वॉल्केनो होते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल है, और इनका कह सकते हैं कि भाई ये फ्यूचर में इरप्शन ले सकते हैं। तो ये जैसे माउंट केना करके हवाई में डोरमैट एक वॉल्केनो है, तो इस टाइप के। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी टाइम से इरप्शन नहीं जिनका हुआ है और लगता भी नहीं कि भाई ये होंगे, तो उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। जो माउंट पोपा म्यांमार में है, ठीक है, तो ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है कि भाई अब इसकी संभावना नहीं है इसके इरप्शन की। नेक्स्ट देखते हैं सुनामी, इसका जो टी है वो साइलेंट रहता है, तो तुनामी नहीं बोलते इसको, सुनामी बोलते हैं। अब सुनामी देखो, जो सुनामी होता है ये अर्थक्वेक की वजह से होता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, तो एक टाइप का आप कह लो कि ये एक टाइप का अर्थक्वेक है, ठीक है, या तो एक टाइप का वॉल्केनिक करप्शन है, पर ये दोनों लैंड पे ना होकर ये हो रहे हैं वाटर के अंदर, तो ये वाटर वाले अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन है एक टाइप से, ये कह सकते हो, जो सी के अंदर अंडर होता है। ये चीज़ देख लो कि सी के अंडर होता है सुनामी, एस फॉर सुनामी एंड एस फॉर सी, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं सुनामी और फ्लड में। तो सुनामी जो होता है वो सी के अंदर होता है। देखो ये क्या होता है कि ये एक टाइप का अर्थक्वेक होता है, जो मतलब बेसिकली जैसे मैंने बताया, तो जब ये होता है तब बहुत ह्यूज वेव्स जो होती है वाटर की, वो शोर की तरफ आती है, मतलब कि किनारे की तरफ लैंड के साइड आती है, और ये जस्ट फ्यू सेकंड्स लेती है और पूरा डिस्ट्रक्शन फैला देती है, और ये खूब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लेके चलती है, मतलब 800 किलोमीटर पर आवर स्पीड देख रहे हो, मतलब, ठीक है, सुनामी की जो वेव होती है ना वो ऐसे पतली सी नहीं, ऐसे कि ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे यूं यूं ना, वो पूरा एकदम इतनी ऊंची सी होके आ रही होती है, समझ सकते हो, तो इतनी ही तो हाइट होगी इंसान की, कैसे ही बचेगा, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लड आता है। अब देखो जो सुनामी है, एक चीज़ और, ये कंट्रोल तो नहीं करी जा सकती, बट थोड़ा थोड़ा जो साइंटिस्ट होते हैं वो पता लगा सकते हैं, वो रिसर्च करके बता सकते हैं, तो टाइमली अलर्ट अगर मिल जाए लोगों को कि भाई सुनामी आने वाली है, तो लोगों की जान बच सकती है, स्पेशली एस कोस्टल एरियाज़, मतलब जो सी के किनारे के जो एरिया हैं वहाँ के लोगों की जान बच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि फ्लड।
देखो फ्लड जो होता है वो रिवर के ओवरफ्लो से होता है, मतलब कि जब हिमालयस वगैरह जो होते हैं, ठीक है आपके हिमालयस है, अब इनका जो बर्फ है वो ग्लोबल वार्मिंग या समर्स, ठीक है, तो इन सब की वजह से या रेनफॉल की वजह से, इन सब की वजह से यूजुअली फ्लड आता है। अब देखो जो ये बर्फ है ज़्यादा ही पिघल गई और रिवर जो है वो ओवर भर गई, तो क्या होगा, फ्लड फ्लड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी जो फ्लड है, ठीक है, वो भी प्रेशर्स की वजह से होता है। अब देखो जैसे कि टाइफून, साइक्लोन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ये सब जो होते हैं ना, ये सब लोकेशन पर डिपेंड करते हैं और साथ ही में इनके डिफरेंट 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 जगहों पे नेम होते हैं। ये एक टाइप के स्टॉर्म्स होते हैं, मतलब तूफान होते हैं जो बड़े बड़े वेव्स लेके चलते हैं विंड के, और देखो वेव्स मतलब कि, वेव्स मतलब कि पानी की जो लहरें हैं, और विंड भी बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग लेके चलते हैं और फ्लड ये भी करते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से समझ लो कि फ्लड के भी टाइप्स होते हैं और उस रूप में फ्लड आता है। साइक्लोन के रूप में आएगा, ठीक है, टाइफून के रूप में आएगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में आएगा, तो ऐस टाइप में हमारे जो फ्लड है वो होते हैं। अब ड्यू टू लॉन्ग समर, ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया कि माउंटेन से कैसे जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है और रिवर जो ओवरफ्लो होती है, फ्लडिंग व्लडिंग हो जाती है और लैंडस्लाइड्स भी हो जाती है। लैंडस्लाइड से क्या मतलब है कि कोई एरिया है, ठीक है, इधर अच्छे से लैंड थी, इधर अच्छे से खेती बाड़ी हो रखी थी, पर फ्लड आया सारा का सारा चीज़ जितनी की जितनी लैंड थी सब ले गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है लैंड जो बहुत डैमेज करता है, ठीक है, स्पेशली एट प्लेन्स, क्योंकि ये प्लेन्स के साइड ही रिवर्स होते हैं और उधर ही सारे गड़बड़े होती हैं। नेक्स्ट ये देखो जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं इफ़ेक्ट्स, अब ये सब तो हमें पता ही है कि जो लोंग है और एनिमल्स हैं ये सब ड्रोन हो जाते हैं, मतलब कि डूब जाते हैं, ठीक है। वाटर जो होता है ये सब तो हमें पता ही है। बेसिकली क्या होता है कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पीने का पानी खराब हो जाता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग, जो वाटर से रिलेटेड फिर डिजीज़ेस भी फैलने लगते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा, तो ये सारी चीज़ें फैलने लगती हैं, तो ये खतरनाक चीज़ है। और साथ ही में बस एक चीज़ है कि देखो हाउ एवर जो फ्लड है वो उनके देखो जो फ्लड वाटर होता है वो काफ़ी सारी सॉइल लेके चलता है, ठीक है, पर जब थोड़े टाइम में अब पानी तो चला गया ऐसे से निकल गया आगे आगे, ठीक है, पानी की जो लहरें हैं वो निकल गई और वो साथ ही में जो सॉइल लेके चल रही थी अब इतनी सारी सॉइल लेके कहाँ चलेगी, बीच बीच में छोड़ देती है। पर जिधर फ्लड होता है अब ये उधर ऑलिव्यूलियल सॉइल छोड़ देती है, ऑलिव्यूलियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, वो छोड़ के चली जाती है। बस यही एक फ़ायदा होता है फ्लड का, फ़ायदा भी नहीं कह सकते बट मेरे हिसाब से फ़ायदे से ज़्यादा बड़ा नुकसान है, तो फ्लड ना आए तो बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे है वेज टू कंट्रोल फ्लड्स। अब देखो जो ट्रीज़ है उन्हें हमें प्लांट करना चाहिए रिवर बैंक्स पे, मतलब कि जो रिवर है उसके साइड पे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, जिससे जब भी फ्लड आए तो ट्रीज़ है वो उनकी फ्लो को रोक सके, उनको कंट्रोल कर सके, उनके बहाव को कम कर सके, जितनी स्पीड से वो आ रहे हैं उसको हल्का कर दे, उनको कंट्रोल करे, ठीक है। और साथ ही में रेस एम्बैंकमेंट ऑफ स्पेशली नियर रेजिडेंस एरिया, मतलब कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे जैसे अगर कई लोग हरिद्वार भी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि लिखा होता है जगहों पे कि गंगा जी के पास ज़्यादा घर नहीं, मतलब देखा होगा उन्होंने कि गंगा नदी के पास ज़्यादा घर नहीं होते हैं, बिकॉज़ इधर ज़्यादा ओवरफ्लोइंग के केसेस होते हैं और फिर फ्लड आ सकता है, दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट है कि जो डैम्स होते हैं, जो डैम्स बनाए जाते हैं उन्हें चेक्ड रखना चाहिए, उन्हें मेंटेन करके रखना चाहिए कि एवरीथिंग शुड बी वर्किंग परफेक्टली, हर एक चीज़ परफेक्टली वर्क करनी चाहिए, ठीक है। डैम्स के चेकिंग होती रहनी चाहिए, और जिससे वो ऐसा नहीं कि भाई बस बना के रखा हुआ है, जब फ्लड आएगा आएगा, पता चल रहा है जब फ्लड आया तो चल ही नहीं रहा है, बटन ही दब रहा है ना, बटन ही नहीं दबाया जा रहा है, तो दैट्स वाई हमें डैम्स पे भी चेक रखना चाहिए। और लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि जहाँ पे फ्लड आया है उनके वहाँ के लोगों को हमें फूड प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने चाहिए, ठीक है, बोट्स वगैरह भेजनी चाहिए, फूड ड्रॉप करने चाहिए, क्योंकि
हमें भी हमारा भी कोई कर्तव्य है एज बीइंग ह्यूमन। नेक्स्ट जो है ड्रॉट, अब ये बहुत टफ सिचुएशन होती है, ये स्कैरसिटी होती है। उधर एकदम ज़्यादा पानी हो गया था, इधर एकदम कम पानी हो गया। देखो ये कंडीशन होती है व्हेन पीपल डज नॉट गेट सफिशियंट वाटर टू फुलफिल देयर नीड्स, मतलब कि जब लोगों के पास पानी नहीं होता, प्रॉपर पानी नहीं होता अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को भरने के लिए। तो देखो प्लेसेस जो लोकेटेड होती है फार अवे फ्रॉम नेचर वाटर सोर्सेज, मतलब कि नेचुरल वाटर सोर्सेज, मतलब कि जो ऐसी जगहें जो नदियों के दूर हैं, मतलब देखो वाटर सोर्सेज जो नेचुरली हो, तो रिवर है ठीक है, तो रिवर्स से दूर रहती हैं जब जगहें, जो जो जगहें जहाँ पे रिवर्स नहीं हैं ठीक है, ऐसी जगहों से, वहाँ पे ही हमें वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलता है, ड्रॉट देखने को मिलता है। जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे बहुत लाइक हार्डली रेनफॉल होती है, यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, नदियाँ भी इतनी नहीं होती है ठीक है। तो फिर यहाँ पे फार्मिंग भी ढंग से नहीं हो पाती है, यहाँ के लोगों की फार्मिंग भी बहुत इफेक्ट होती है, उनको वाटर चाहिए होता है ना, वाटर ही नहीं अवेलेबल होता है उनके क्रॉप को ग्रो करने के लिए। वहाँ पे स्केयरसिटी ऑफ वाटर भी होता है और स्केयरसिटी ऑफ वुड भी हो जाता है बहुत लोगों के लिए ठीक है। अब हमें कैसे करके ये कंट्रोल करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब कि हमें इसके लिए और पेड़ उगाने चाहिए। और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जितने पेड़ काटे हैं उतने पेड़ लगा दो, मतलब कि देखो ये इसका मेन रीज़न क्या होता है, बेसिकली जब जब पेड़ बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, देखो मैंने बताया था ना कि देखो पेड़ जब कट जाते हैं बहुत ज़्यादा, तब वो रेनफॉल पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब पेड़ जहाँ पे कम होते हैं ना, वहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, और लोग पेड़ काट देते हैं लैंड को क्लियर करने के लिए। हम लोगों ने तो पेड़ काट दिए वहाँ पे, तो लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर दी ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, उसका अपोजिट काम करना चाहिए, हमें वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। अब जैसे राजस्थान जैसे जो एरिया है वहाँ पे लोग एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और वहाँ पे रेनफॉल की बेटरमेंट हमें देखने को मिल रही है ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जब भी बारिश हो, बहुत कम होती है वहाँ पर जब भी हो, तब हमें वहाँ के पानी को, बारिश के पानी को बचाना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर को सेव करना चाहिए, और जो पानी आ रहा है हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए। अब हम देखते हैं डीलिंग विद नेचुरल कलैमिटीज़ ठीक है। अब देखो जो हमने कैसे पढ़ा कि जितनी यहाँ पे मेनली जो देखी गई उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता होता कि कब आ रही है नेचुरल कलैमिटी, क्योंकि वो नेचर करता है, ह्यूमन तो करता नहीं है, ह्यूमन भी, ह्यूमन का भी हाथ होता है, वही इम्बैलेंस क्रिएट करता है, बट ह्यूमन को पता नहीं होता है कि कब आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रॉप्स जो है, हमें ये देखो जो नेचुरल कलैमिटीज़ होती है वो किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है, क्रॉप पे करती है, ड्रिंकिंग वाटर पे करती है, हाइजीन पे करती है, ट्रांसपोर्ट पे करती है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो भी अवेयरनेस फैलाने में ट्राई कर रही है कि भाई सबको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, और कहीं पर कलैमिटी आती है तो क्या उससे भी रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है वो भी फैला रहे हैं। अब देखो जो नेचुरल क्लैमिटी है, अब देखो जब हम स्प्रेडिंग अवेयरनेस से क्या मतलब हो रहा है कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि कैसे कैसे सेविंग करें ठीक है, कैसे, जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि अर्थक्वेक आए तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, वी शुड नॉट पैनिक, तो हमें ये बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए। साथ ही में लोगों को हमें सेफ्टी थिंग्स प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे कि मेडिसिन हो गया, फूड हो गया ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ ही में जो एनजीओज होते हैं, मतलब कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट नहीं चला रही है, खुद से लोगों ने अपने से चलाया शुरू करा है, उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, वो करते हैं एक्चुअली, और वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। कुछ कुछ एनजीओज के बारे में अब हम पढ़ते हैं ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग हुआ है ऐसी चीज़ों में, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है कलेमिटीज़ में लोगों की। तो देखो एक है रेड क्रॉस सोसाइटी, ये जो है ना सिंबल ऑफ ह्यूज रेड क्रॉस फाउंड, मतलब कि ये बेसिकली मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, रेड क्रॉस ऐसा होता है मेडिकल वाला, ये रहा। तो
तो ये क्या हेल्प करते हैं कि कहीं पे भी डिजास्टर होता है, कहीं कलैमिटी होती है, तो ये लोगों को उससे ठीक होने में हेल्प करते हैं। हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये गाइडलाइंस और सपोर्ट मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हेल्थ अथॉरिटी को, मतलब कि ये हेल्प करते हैं बेसिकली हेल्थ के हेल्थ ये लोगों की हेल्थ बेटरमेंट कर के लिए हेल्प करते हैं कि भाई इनको पट्टी चाहिए, दवाई चाहिए, ये वाली दवाई चाहिए, तो इनको देते हैं जिससे लोगों को भाई समय पे चीज़ें मिले और जाने कम जाए। ठीक है, नेक्स्ट है यूनी आई सी ई एफ, मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, मतलब कि कई सारे जो चिल्ड्रन होते हैं जब भी कलामिटी आती है, सिर्फ कलामिटी की बात नहीं है, जो ऑर्फन होते हैं मतलब जो जिनका कोई नहीं होता है, ठीक है, हैंडीकैप जो डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, तो ये जो डिजास्टर्स के बाद इनके लिए और दिक्कत हो जाती है, तो ये जो जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है ये इनके लिए अगेंस्ट मतलब इनके अगेंस्ट नहीं, इनके लिए है ये चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों के लिए वो प्रोवाइड कराते हैं। तो जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।